विद्यार्थियों देखिए, किरातार्थ विनियम जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो प्रथम सर्ग है जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, उस प्रथम सर्ग के अंदर जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वनेचर का कथन और दूसरा है द्रौपदी का कथन। युधिष्ठिर अपने दूत को, वनेजर को, दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए भेजता है और वापस लौट करके वो पूरा वृत्तांत युधिष्ठिर के पास में सुनाता है। ये एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया और हमने लगभग यहाँ तक इसको पढ़ा। अब इससे आगे दूसरा प्रसंग शुरू होता है द्रौपदी का। वनेचर के चले जाने के बाद में जो द्रौपदी है वो किस प्रकार से युधिष्ठिर को अपने वचनों से, उसके जो अंदर जो क्रोध है उसको प्रज्वलित करने का, उसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रही है। किस प्रकार से वो वनेचर के द्वारा दुर्योधन के वैभव, उसकी शासन व्यवस्था, उसकी उन्नति को देख करके विचलित हो रही है। किस प्रकार से अपने शत्रु को पुनः हराने के लिए, पुनः अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर से बार बार विनय कर रही है, आग्रह कर रही है, किस प्रकार से उसके संवाद है, क्या वो उसको बताती है, किस प्रकार की उसे उलाहना, उसके ऊपर कटाक्ष करती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। इसी बात को लेकर देखो, इन तीन श्लोकों के अंदर हम पढ़ेंगे इतीर इत्वा। सबसे पहले उच्चारण पे ध्यान दीजिए, इतीर इत्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेत पत्यौ वन सन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचा। इसका पदच्छेद इतीरयित्वा गिरम, पदच्छेद देखिए, मैंने आपको पुनः फिर बता रहा हूँ कि पदच्छेद संस्कृत के अंदर जो शब्द होते हैं वो आपस में संधि के नियमों के कारण जुड़ जाते हैं आपस में, तो उन पदों को अलग अलग करना, अन्वय के अंदर उनके संबंध के अनुसार कहाँ किसके, कौन किसका विशेषण है, कौन किसका विशेष्य है, क्रियापद का अन्वय कहाँ हो रहा है, ये होता है। और पदच्छेद के अंदर सिर्फ कि पद कौन सा है, जैसे गिरमात्त, तो ये दो पद हैं यहाँ पे, गिरम आत सत्क्रिय। तो ये विशेष, जब तक हमें पदों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अन्वय कैसे करेंगे, इसलिए पदच्छेद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इति रहित्वा गिरम आत सत्क्रिय गते अथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तद आच चक्षे अनुज सन्निधौ वच है। अब इसका अन्वय देखिए, वन सन्नी वासिनाम पत्यौ अथ वन सन्निवासिनाम पत्यौ इति गिरम इति रहित्वा। गते अथ वन सन्निवासिनाम पत्यौ इति गिरम इति रहित्वा आत सत्क्रिये गते मही भुजा कृष्णा सदनम
प्रविश्य, अनुज सन्निधौ वचः आ चचक्षे। ध्यान दीजिएगा, अथ का मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार का मतलब कि पूरा वृत्तांत सुनाने के पश्चात कि किस प्रकार से दुर्योधन का राज व्यवस्था, दुर्योधन की राज व्यवस्था, उसका शासन तंत्र संचालित हो रहा है, वो पूरा वृत्तांत सुनाने के पश्चात वन सन्निवासी नाम, जो वन सन्निवासी है, जो वनवासी है, उसके साथ में निवास करने वाले पत्यौ, उनका स्वामी, कहने का मतलब है वनेचर, वन सन्निवासी नाम पत्यौ, ये विशेषण किसके लिए आया है? वनेचर के लिए, जो उसका गुप्तचर है, जिसको उसने भेजा था। इति, इस प्रकार से गिरम जो वाणी है, जो वचन है, जो पूरा वृत्तांत है, इतिरित्वा, इतिरित का मतलब कहने के पश्चात, बताने के पश्चात आत्य सत्क्रिय और प्रतिफल में युधिष्ठिर के द्वारा उचित सम्मान उपहार आदि प्राप्त करने के पश्चात गते चले जाने पर, यहां तक देखिए कि वन सन्निवासी नाम जो वनेचर है, इस प्रकार से युधिष्ठिर के समक्ष उसने सारा वृत्तांत सुनाया और वृत्तांत सुनाकर पश्चात जो भी उचित, जो युधिष्ठिर के द्वारा उसको उपहार दिया गया या जो सांत्वना वचन दिए गए, सब प्राप्त करके, उचित सम्मान प्राप्त करके वह वहां से चला गया। उसके बाद में क्या होता है? महीभुजा। महीभुजा ये किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। जो युधिष्ठिर है, कृष्णा सदनम, कृष्णा सदनम का मतलब द्रौपदी का भवन, कृष्णा सदनम, प्रविश्य, अपने जो घर है उसके अंदर प्रवेश करके, अनुजम सन्निधौ, अनुजो, अनुज जो है उसके जो छोटे भ्राता है चार, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनकी सन्निधि में, उनके समक्ष, उनके सामने वचः है, यानी कि जो वचन आच चक्षे कहे, कौन से वचन कहे? जब वो कह करके चला गया, उसके पश्चात युधिष्ठिर अपने घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात वहाँ पर द्रौपदी है और उसके चारों भाई है, चारों भाइयों के सामने वो सारी बात जो वनेचर ने उसे बताई वैसी की वैसी उनके सामने वो उनको स्पष्ट करता है, उनको बताता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? देखिए, निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृतिस ततस्त्या विनियंतु मक्षमा नृपश्य मन्युर व्यवसाय दीपिनिर रुदा जहार द्रुपदात मजागिर। निशम्य सिद्धिम, पुनः हम वही पदच्छेद देखेंगे पहले, निशम्य सिद्धिम द्विषताम, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, जब तक शब्दों को नहीं समझ पाएंगे उनका अर्थ समझने में आपको कठिनाई होगी। द्विषताम अपाकृति ततः ततस्त्या विनियंतुम अक्षमा नृपश्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिर। अब सबसे पहले हम इसका उसी प्रकार से पहले अन्वय करेंगे। देखिए, अन्वय, अन्वय करने से हमें उसका सही शब्दों का, सही शब्दों के सही संबंधों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। द्रुपदात्मजा, द्विषताम सिद्धिम निशम्य ततः ततस्त्या
अपाकृति, विनियंतु अक्षमा, नृपश्य मन्यु, व्यवसाय दीपिनी। गिर है उदाजहार, ध्यान दीजिएगा। द्रुपदात्मजा, द्रुपदात्मजा कौन है? द्रुपद की पुत्री। द्रुपदी की पुत्री कौन? द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। दुष्यताम, दुष्यताम का यहां पर अर्थ है शत्रु। शत्रु कौन? जो कौरव है, दुर्योधन है और उसके भाई हैं, जिन्होंने कपट पूर्वक, छल पूर्वक उनके राज्य को छीना, युधिष्ठिर के राज्य को, और उनको वहां से निकाल दिया, वन में भेज दिया। तो उनके लिए, पांडवों के लिए और द्रौपदी के लिए कौन हो गए? वो शत्रु। तो दुष्यताम, उन शत्रुओं की सिद्धिम, उनकी सिद्धि को, उनके वैभव के, उनके वैभव को, उनके वर्चस्व को, उनके प्रभाव को निशम्य यानी कि सुन करके, ततः उसके पश्चात ततस्त्या, जो उनकी तरफ से जो आ रहे हैं यानी कि उनको सुनने के पश्चात जो उनके मन में उनके प्रति जो अपाकृति, जो अपकार आ रहा है, जो अपमान आ रहा है, उनके वैभव को सुना और सुनने के पश्चात जो मन में अपमान, उनके कारण जो मन में अपमान, अपना तिरस्कार पैदा हो रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, और अब तो बुरा व्यवहार करने के पश्चात उनको जो राज्य मिला, उस राज्य को भी वो पुनः है किस प्रकार से भली भांति संभाल रहे हैं। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर, जो अपमान की बातें हैं वो याद करके, विनियंतुम अक्षमा, उनको रोकने के अंदर वो कैसी है? अक्षमा, नहीं रोक पा रही है। नृपश्य, इस प्रकार से नृप के मन्युर व्यवसाय दीपिनी, उसके मन्यु का मतलब क्रोध, क्रोध को उत्पन्न करने वाली, गिरह का मतलब वाणी, गिरह का मतलब वाणी, वचन कथन उदाजहार कहा। कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से द्रौपदी दुर्योधन के शासन वैभव को सुनकर के उद्वेलित होती है, और उद्वेलित होने के पश्चात उसके मन में विभिन्न प्रकार के शोध प्रतिशोध की भावनाएं उत्पन्न होती है। अपने जो उसका उपकार हुआ था उसकी दुर्योधन की सभा में, किस प्रकार से उसको पुनः याद करती है, और उसे याद करके अपने क्रोध को, अपने आवेग को रोकने में अक्षम होकर के उसके राजा के, युधिष्ठिर के क्रोध को पुनः उद्वेलित करने वाले वचन उसको सुनाती है। किस प्रकार से वह कहती है कि उसका अपमान हुआ है, किस प्रकार से तुम अपने भाइयों को, यह सब हम देखेंगे इसमें आगे, अपमान को आप सहन कर सकते हो, इसलिए उचित प्रतिकार करो, अपने बदला लेने के लिए आप योजना बनाओ, किस प्रकार से उसके क्रोध को उद्वेलित कर रही है देखते हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधयः। भवादृशेषु प्रमदा जनो दितम अनुशासनम अधिक्षेप
तथापि निरस्त नारी समया दुराधेय माम वक्तुम व्यवसायन्ति। अधिक्षेप इव। देखिए भवादृशेषु, आप जैसे विद्वज्जनों और सज्जनों के साथ प्रमदा जनोदितम, प्रमदा का मतलब स्त्रियां, जने का मतलब व्यक्ति यानी कि स्त्री लोग, स्त्रियों के द्वारा उदितम कहा गया। आप जैसे विद्वानों सज्जनों के प्रति स्त्रियों के द्वारा जो कहे गए जो वचन है, अनुशासन का मतलब वचन, जो आक्षेप जो प्रतिकार, अधिक्षेप ही अधिक्षेप के समान है, अपमान के समान है, कहने नहीं चाहिए। फिर भी तथापि, फिर भी निरस्त नारी समया दुराधय, पूरा शब्द है निरस्त नारी समया, नारी के सम्मान को निरस्त करने वाले, उसके अपमान को करने वाले, जो दुराधय हैं, जो मन में जो विचार है, जो बातें हैं जो उत्पन्न हो रही हैं, वो वक्तुम व्यवसायन्ति, मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही है। बहुत ही सुंदर वाणी के अंदर द्रौपदी ने शिष्टाचार पूर्वक अपने पति दुर्योधन से प्रतिकार के लिए आग्रह कर रही है कि देखिए महाराज, आप जैसे विद्वान और निपुण लोगों के सामने कोई अगर स्त्री उन्हें कुछ राय दे, अनुशंसा करे, तो वह वस्तुतः आपका अपमान है। लेकिन फिर भी मैं जो कहने जा रही हूँ, मेरे अपमान, वो जो मैं कहने जा रही हूँ वो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक नारी को जो सरभरी सभा में जिस नारी का अपमान हुआ है, ये केवल द्रौपदी का नहीं, समस्त नारियों के अपमान की बात है, तो उसके कारण जो मेरे मन में जो दुराधय है, जो विचार है, जो मेरा कष्ट है, वो मुझे इस प्रकार से कहने के लिए माम गिरह, माम वक्तुम व्यवसायन्ति, मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, मुझे अपने आप को मैं रोक नहीं पा रही हूँ। अब वो क्या कहती है वो हम कल अध्ययन करेंगे। 3 श्लोकों के माध्यम से हमने ये जाना कि किस प्रकार से एक प्रसंग पूरा हुआ है, वनेचर का प्रसंग, अब दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ संवाद। अब हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।